भाई आज बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेके आया हूँ। अरे पर टॉपिक क्या है? अरे यार कैसे बताऊँ भाई, तुम बोलो तो सही। अरे तुम समझने की तो कोशिश करो ना यार। ओ अरे अरे अभी सही पकड़े आप। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर जोशी, नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो बात करते हैं आरए की। हाँ वही आरए जिसमें मेट्रो 3 प्रोजेक्ट की बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये टॉपिक को समझते हैं चार आसान स्टेप्स में। नंबर वन, लोकेशन। भाई आरए मुंबई के बीचों बीच में बैठा हुआ एक मुंबई का लंग है, ऐसे कहा जाता है। आरए एक 4000 एकड़ में फैला हुआ एक ग्रीन कवर है। तो वो एक मिक्स और डेसीडियस फॉरेस्ट है, वो डेंस फॉरेस्ट नहीं है। हालांकि उसमें से 600 एकड़ की जगह ये डेंस फॉरेस्ट है जो कंप्लीटली रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ है। आरए में 86 स्पीशीज ऑफ ट्रीज, अलग अलग प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और 22 प्रकार के पंछी है और इन टोटल 290 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार आरए में 5 टाइप्स के एंडेंजर्ड स्पीशीज भी पाए जाते हैं। आरए में टोटल 27 टाइप के पाड़ा है। पाड़ा मतलब यहाँ पे अलग अलग आदिवासी ट्राइब्स रहते हैं। और BARC और सेंटर फॉर म्यूरल स्टडीज के अनुसार आरए में सिल्हारा डायनेस्टी के बहुत सारे रेलिक्स पाए गए हैं। वही सिल्हारा डायनेस्टी जिसका कैपिटल थाने था। मैक्सेसे अवार्ड विनर दारा खुरोड़ी, उनके विजन से आरए मिल्क कॉलोनी की स्थापना 1951 में हुई, जो आरए का वन ऑफ द मैक्सिमम लैंड मास ऑक्यूपाई करती है। अभी पूरा बैकग्राउंड सेट करके रख दिया है, समझ गए आप आरए क्या चीज है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, दैट लैंड कंपैरिजन। देखिए मुंबई में बोरीवली के आसपास एक और एक मुंबई का लंग है जिसे कहते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, यानी कि बोरीवली नेशनल पार्क। अगर आप देखने जाएंगे तो बोरीवली नेशनल पार्क 21,498 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। उस हिसाब से आरे जो पूरा अर्बन फॉरेस्ट या जिसे मिक्स डेसीडियस बफर जोन जो है आरे का, ये 4000 एकर्स के अंदर फैला हुआ है। और दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी मतलब फिल्म सिटी जो है वो 490 एकड़ में फैली हुई है। आप देख रहे हो 20,000 से लेकर हम 490 तक आ चुके हैं, अभी तक बॉटम हिट नहीं किया है। और वो बॉटम हिट करने वाला है मेट्रो 3 प्रोजेक्ट का शेड जो है सिर्फ 102। अभी संजय गांधी नेशनल पार्क से कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ 0.5% है, समझ रहे हैं आप। और उसमें भी जो डेंस फॉरेस्ट का रीजन है वो तो कट होने ही नहीं वाला है क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। जो मिक्स डेसीडियस फॉरेस्ट का जो रीजन है सिर्फ वही कट होने वाला है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो है कस्मे वादे। भाई सरकार ऐसा कहती है कि इतने भी पेड़ पौधे हैं हम लोग काटने वाले हैं आरए में, उससे 6 गुना ज्यादा हम लोग प्लांट करने वाले हैं किसी और जगह पे। उससे क्या हो जाएगा, जो ग्रीन कवर इधर का कम हो रहा है वो किसी और जगह पे 6 गुना बढ़ जाएगा, जिससे इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार लेने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को बड़ी अच्छी से हेल्प होने वाली है। पॉइंट नंबर 4, सरकार कंपेरिजन। तो बड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि 2009 में एक सरकार थी, आपको पता है कौन सीएम थे और कौन सी सरकार थी। तो ये 2009 की जो सरकार थी, इन्होंने सिर्फ 2 साल में, 2009 से लेकर 2011 तक ये लोगों ने सिर्फ 2 साल में 4 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 988.4 एकर्स की जमीन डीफॉरेस्ट की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आंकड़े कह रहे हैं। सिर्फ 2 साल में इतने हाई लेवल का डीफॉरेस्टेशन, मतलब अभी जो मेट्रो शेड होने वाली है उससे 9 गुना डिफॉरेस्टेशन सिर्फ 2 साल में हुआ था। और ये मेट्रो प्रोजेक्ट भाई कितने सालों से चल रहा है हम तो देख रहे हैं ना। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, लॉजिकल रीजनिंग। देखिए भारत की पॉपुलेशन 1.3 करोड़ एवरी ईयर के हिसाब से बढ़ रही है और महाराष्ट्र में डिकेडल ग्रोथ 15.9% के हिसाब से। मुंबई जैसे मेट्रो शहर में सब लोग रहना चाहते हैं, तो उसमें हमारे प्रिय बांग्लादेशी आ गए, पाकिस्तानी आ गए और हमारे अलग अलग स्टेट यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ के सब हमारे भाई बहन भी आ। ये तो कुछ नहीं, महाराष्ट्र के रूरल एरिया में से भी लोग मुंबई जैसे अर्बन शहर में रहना पसंद करते। देखिए लोग आने में बुरी बात नहीं है, प्रॉब्लम ये है ये रहेंगे। अभी आप, आपके घर में एक बेडरूम एक्स्ट्रा है तो उसमें आप इनको ठहराने तो वाले नहीं हैं। अभी जिसके पास 1 BHK है उसको 2 BHK चाहिए, जिसको 2 BHK है उसको 4 BHK विद टेरेस चाहिए, जिसके पास फ्लैट है उसको बंगला चाहिए, बंगले में जो बाबा है वो मर्सिडीज लेके सुबह चला जाता है, दीदी किटी पार्टी में चली जाती है, नौकर पूरे बंगले का एंजॉय कर लेते हैं। तो
तो उससे होता यह है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इतनी बढ़ रही है कि लोगों को रहने के लिए जगह तो रहनी चाहिए ना। तो जगह कहाँ से बनाए, समंदर में पत्थर डाल डाल के तो बिल्डिंग नहीं बना सकते ना। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि जहां जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां जहां ओपन लैंड है, वहां पे रेसिडेंशियल बनाना जरूरी है। अब ऐसे में सोचिए, ये जो आरए का प्रोजेक्ट है 103 एकड़ का, ये कांजूर मार्ग में शिफ्ट करने का भी एक प्रस्तावित प्लान दिया गया है। अभी आप मुझे बताइए कि 103 एकड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट में जो कार शेड है वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे या उससे आधा करते हैं 50 एकर्स के रेसिडेंशियल में ज्यादा लोग रहेंगे। अगर कांजूर मार्ग में मेट्रो शेड भी फिक्स कर देते हैं और 50 एकड़ मतलब उससे आधा अगर रेसिडेंशियल आरए में बना देते हैं तो समझिए क्या तबाही कर देंगे लोग। हम इतने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं और इतने अच्छे संस्कार हमारे पे हो चुके हैं कि अगर 50 एकर्स में भी रेसिडेंशियल आरए में बन जाता है तो लोग उधर तबाही मचा देंगे भाई, थूक देंगे रास्ते पे, मूंद देंगे, पूरा जंगल खराब कर देंगे। ऐसा वक्त आ जाएगा बेचारे वो लेपर्ड को कुत्ते जैसा गले में चेन डाल के लोग घूमेंगे। तो उससे अच्छा अगर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसमें कम लोग सिर्फ काम करने वाले हैं वो अगर आरए में शिफ्ट हो जाता है और कांजूरमार्ग के सॉल्ट पैन में भी अगर बिल्डिंग बांध देते हैं तो भाई कांजूरमार्ग तो वैसे भी रेसिडेंशियल एरिया है। ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद 17 लाख लोगों का कम्यूट बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से 17 लाख लोगों को एक दिलासा मिलने वाला है ट्रैवल करने के लिए टू एंड फ्रो मुंबई। ये सोचिए वहां पे जो रहने वाले वो जो आदिवासी लोग हैं उनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का जरिया मिल जाएगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उन्हें काम मिल जाएगा, इकोनॉमी का कैश फ्लो चालू हो जाएगा। तो बात सरकार को ब्लेम करने की नहीं है, ब्लेम हमारी खुद की मेंटालिटी को करने की है। हम एक घर लेके भी खुश रहने वालों में से नहीं है। अगर हमारे पास एक घर है तो हम और एक इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं, एक बाहर प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक फार्म हाउस बनाते हैं, एक वीकेंड होम बनाते हैं, और उसमें रहता कौन है, कोई नहीं। तो क्या होता है, उसकी वजह से ये पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर बहुत बड़ा लोड आ जाता है। गाली सरकार को देना बहुत ईजी है भाई, थोड़ा लॉजिकल तो सोचिए ना। लेकिन इसके ऊपर मेरे हिसाब से अगर मेट्रो 3 प्रोजेक्ट आरए में होता है तो दैट इज नॉट अ बैड डिसीजन। आपके पास अगर इससे भी अच्छा लॉजिकल ऑप्शन है तो जरूर सरकार को बताइए, हेल्प कीजिए, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।